नमस्कार, मैं हूं अमित आर्य और आप देख रहे हैं दासड़कनामा.com। अभी हम मौजूद हैं हिसार में जो नलवा विधानसभा है उसके पूर्व विधायक रणबीर गुंगवा जी हैं, उनके निवास पे हैं और इन्होंने हाल ही में इनेलो पार्टी से भाजपा में ज्वाइन किया है। आइए उनसे बात करते हैं। जी, मैंने 2000 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा और जिला परिषद का चुनाव जीतने के बाद में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को विधिवत रूप से ज्वाइन किया। वैसे तो मैं पहले भी इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का ही वोटर रहा, लेकिन 2000 में मैं एक पदाधिकारी के तौर के ऊपर इंडियन नेशनल लोकल पार्टी में ज्वाइन की और उन्होंने मुझे बैकवर्ड क्लास का पहले जो है जिले का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद में 2005 में मैंने दोबारा चुनाव लड़ा जिला परिषद का, जीत करके मैं वाइस चेयरमैन भी रहा 5 साल तक जिला परिषद हिसार का। 2009 का चुनाव मैंने नलवा विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गया और 2010 में मुझे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने राज्यसभा में भेजा। 2010 से लेकर के 2014 तक मैं राज्यसभा में रहा। 2014 में, क्योंकि वैसे तो 16 तक टर्म थी मेरी राज्यसभा की, 2014 में जब मैं MLA बन गया नलवा से इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पे, तो फिर मैंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और मैं इसमें रहा। और मैंने लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में तकरीबन 20 वर्ष तक एक कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में, MLA MP के रूप में मैंने वहां कार्य करने का काम किया। ऐसा क्या हुआ कि आपने इनेलो छोड़ के भाजपा ज्वाइन किया? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जब से दो फाड़ हुई, गोहाणा रैली थी अक्टूबर के अंदर 7 अक्टूबर को, और उसके बाद में जैसे दो फाड़ हुई तो वहाँ काम करना ऐसे हो गया था, जहाँ पार्टी के अंदर दो फाड़ होने के बाद में और उसके बाद में कार्यकर्ता आपस में बट गए, शीर्ष नेतृत्व आपस के अंदर दो भागों में बट गया और मेरे लिए स्थिति ऐसे हो गई कि मैं किसके साथ लगूँ। तो उसके बाद में फिर मैंने जब एक बार तो आप यूँ कह लीजिए कि मन में ये आ गया कि इससे अच्छा तो राजनीति छोड़ दें, लेकिन वर्करों के दबाव के अंदर उन्होंने कहा कि आपको इनको आप निर्णय लेने का काम करें। वर्करों के दबाव के अंदर लगातार जो उन्होंने कहा जनता की भावनाओं के अनुरूप और जिस तरीके से जो मेरे सामने फिर जो विकल्प थे, जो पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस थी, JJP थी या भारतीय जनता पार्टी थी, जब मैंने इन पर नज़र डाली तो जिस तरीके से लगातार 5 वर्ष तक आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को नेतृत्व देने का काम किया, जो नीतियां लोगों के लिए बनाई, चाहे किसानों के लिए बनाई, गरीब वर्ग के लिए बनाई, व्यापारियों के लिए बनाई, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आज हर एक भारतवासी अपने आप को इसके गौरवान्वित महसूस करता है कि देश आज सुरक्षित हाथों में है। और उसी के साथ साथ आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनके साथ भी मुझे 4.5 साल तक कार्य करने का मौका मिला विधानसभा के अंदर। उनका व्यवहार जो एक विधायकों के प्रति, चाहे हम विपक्ष के विधायक थे, हम ना जाए तो अलग बात है, अगर कोई काम कहा तो उन्होंने जिस तरीके से जो पक्ष के विधायक उनके करते थे उसी तरीके से करने का काम किया। और जो नौकरियों के अंदर खासकर जो पीछे पारदर्शिता दिखाई कि आज अगर कोई मजदूर का बेटा है और वो अगर जो अच्छा पढ़ाई के अंदर अव्वल है तो उसका सिलेक्शन लेटर जब घर पे आता है वो कहता है कि मुझे तो गांव का सरपंच भी ठीक तरह से नहीं जानता, MLA मंत्री की तो दूर की बात है, तो ये अच्छा लगा पारदर्शिता उनका। इन तमाम चीज़ों से प्रभावित होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अभी अगर हम दैनिक ट्रिब्यून की आज खबर को देखें तो ये आपका नाम जो है हिसार लोकसभा के लिए आ रहा है, तो इसके बारे में देखिए, मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर जरूर नाम आ रहा है। मैंने ना तो लोकसभा की कहीं कोई दावेदारी रखी, ना ही मैंने पार्टी हाईकमान के आगे कोई इच्छा जताई, और मैंने शुरू में ना मैंने कोई किसी कंडीशन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आया। आज मैं प्राथमिक सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी के अंदर हूँ। पार्टी जो भी आदेश मुझे करेगी, कहीं चुनाव प्रचार का कहेगी, कहीं कोई संगठन में जिम्मेवारी देती है, या कहीं मेरे जाने से मेरे जो भी ऐसा कोई काम मेरे जिम्मे लगाएगी जिससे पार्टी को फायदा होता है, मैं पार्टी के हर आदेश को मान करके पार्टी के अंदर काम करने के लिए आया हूँ। मैंने कहीं कोई दावेदारी नहीं जताई, जो भी पार्टी का आदेश होगा पार्टी को तय करना है कि मेरे से क्या काम लेना है।
क्योंकि हिसार और रोहतक जो है दो सीटें भाजपा ने अभी तक डिक्लेयर नहीं की, इस पर संशय बना हुआ है। कुलदीप बिश्नोई का भी नाम आ रहा है कि वो भाजपा में आ सकते हैं, और अगर उसके बाद बात करें हम तो रणबीर गंगवा का नाम जो चल रहा है। तो देखिए देखिए, मैं तो मैंने जिससे पहले कहा, मैं तो अभी नया नया पार्टी के अंदर आया हूँ, ये तो ये काम तो पार्टी ने तय करना है, चाहे कुलदीप बिश्नोई जी का है, या तो वो बता सकते हैं या पार्टी हाईकमांड बता सकती है, या कोई भी, मैं तो कोई भी कमल का फूल लेकर के जो भी आएगा उसके लिए तन मन धन से उसकी मदद करेंगे, पार्टी को हर संभव ये कोशिश करेंगे। आज वैसे भी पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एक लहर बनी हुई है कि हम मोदी साहब को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है। जो भी कमल का फूल लेकर के आएगा निश्चित तौर पर वो जीतेगा, और हम उसमें पूरी ताकत अपने उसको जिताने में लगाएंगे। आप खुद ही कह रहे हैं कि जो भी कमल का फूल लेके आएगा वो जीतेगा, तो ये मान के चले कि हिसार की जो सीट है वो बीजेपी के लिए की जीत जो उसमें पक्की है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आए, निश्चित रूप से हर एक कार्यकर्ता साथ लग करके उस पूरी अपनी ताकत से उसको जिताने का काम करेंगे। आज लहर भी बनी है और उसको मोदी साहब के नाम पे निश्चित रूप से उसको वोट मिलेंगे। आज पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर है, और वो लहर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के जो कार्यशैली है उसको देख करके हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरी लहर। अगर बीजेपी आपको मौका देती है हिसार लोकसभा से सेवा करने का, तो जो हिसार की जो राजनीति है, जो पिछला चुनाव था हिसार लोकसभा का वो जातिगत चुनाव हुआ था, अगर आपको मौका देती है तो क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि हिसार में जातिगत राजनीति नहीं होगी? मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, ना तो मैं कहीं जाति पाति में विश्वास रखता, जिस पार्टी के अंदर मैं शामिल हुआ हूँ ना वो कोई जाति पाति के अंदर विश्वास रखती। जो भी कैंडिडेट आएगा उसको तमाम कार्यकर्ता सभी लोग मिलकर के और उसको जिताने का काम करेंगे, और आज हर वर्ग के लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये हमारे साथ थे गंगवा जी, इन्होंने तमाम प्रश्नों का जवाब दिया। अभी ये जो है पार्टी हाईकमान का संशय बरकरार है, वो जब तक खुलेगा तब तक ही पता चल पाएगा कि आखिर हिसार लोकसभा से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा। धन्यवाद।